हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएलएस एकेडमी। हमारे लेक्चर का टॉपिक है कंटिन्यूएशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बटर मिल्क पाउडर, इट इज स्लाइटली सॉर लिक्विड, थोड़ा सा खट्टा टाइप का लिक्विड होता है। लेफ्ट आफ्टर चर्निंग ऑफ बटर, जब बटर की चर्निंग की जाती है तो बटर की चर्निंग के बाद में जो लिक्विड बचता है सॉर लिक्विड, उसी को बटर मिल्क बोला जाता है। इट मे बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाई एसिड सॉर एंड स्वीट बटर मिल्क। अगर इसको बनाना है तो बनाने के लिए हाई एसिड, थोड़ा सा सॉर एंड स्वीट बटर मिल्क का यूज़ करके बटर मिल्क पाउडर को बनाया जा सकता है। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के रिच सोर्स होते हैं, इनमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। बटर मिल्क पाउडर की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोटीन के साथ साथ लैक्टोज शुगर एंड मिनरल्स एंड एसिड पाउडर्स ऑल्सो कंटेन हाई अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड। प्रोटीन्स होती हैं, लैक्टोज शुगर होती है, मिनरल्स भी होते हैं, और जो एसिड पाउडर होता है उनमें हाई अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है। जो लैक्टिक एसिड है इसकी मात्रा हाई होने की वजह से ही इसका जो सॉर टेस्ट आता है वो आता है। द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स प्री हीटिंग, सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, प्री हीट किया जाता है। और प्री हीटिंग के लिए जो टेम्परेचर रेंज होती है वो होती है 32 to 49 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्री हीटिंग की क्यों की जाती है, टू रीक्लेम द फैट एंड देन कंडेंसिंग इट बाय इवेपोरेशन। उसके बाद में ये जो प्री हीटेड रॉ मटेरियल आपके पास आ गया है इसको कंडेंस किया जाता है, और कंडेंस करने के लिए इवेपोरेशन का यूज़ किया जाता है। इवेपोरेशन में क्या होता है, जो वेपर है वेपर के फॉर्म में मॉइस्चर को उड़ा दिया जाता है यहाँ से। और कब तक की जाती है ये प्रोसेस, जब तक कि 40 से 45% तक 40 to 45% टोटल सॉलिड्स आर अचीव, जब तक कि जो टोटल सॉलिड कंटेंट है वो 40 to 45% तक नहीं मिल जाता। एंड देन इज स्प्रे ड्राइड, और उसके बाद में जब ये टोटल सॉलिड कंटेंट आपको मिल जाता है आफ्टर कंडेंसेशन, उसके बाद में स्प्रे ड्रायर की मदद से इसको ड्राई किया जाता है। दे आर जनरली पैक्ड इन क्राफ्ट पेपर बैग्स, इनकी पैकिंग की अगर हम बात करें, जो बटर मिल्क पाउडर्स होते हैं इनको पैक कहाँ करते हैं, तो इनकी पैकिंग के लिए क्राफ्ट पेपर बैग्स का यूज़ किया जाता है विद प्लास्टिक लाइनर्स। और ये जो क्राफ्ट पेपर बैग होते हैं इनमें प्लास्टिक के लाइनर्स लगे होते हैं, आप सभी ने देखा होगा, जिनको आप इजीली खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से लगे होते हैं, और वो थोड़ा सा प्रेस करते हैं जब आप तो वो बंद हो जाते हैं, वही प्लास्टिक लाइनर्स होते हैं। दे हैव शेल्फ लाइफ मोर देन अ ईयर एट रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर पे इसको रखा जाए बटर मिल्क पाउडर को, तो इनकी सेल्फ लाइफ लगभग 1 साल तक होती है, और 1 साल से ये एक्सीड भी कर सकती है अगर प्रॉपर टेम्परेचर की कंडीशंस प्रोवाइड की जाएं। इट कैन बी यूज्ड टू इन्हेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ ब्रीड्स, ब्रीड्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हेंस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो बटर मिल्क पाउडर है ये ब्रीड्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू इन्हेंस करने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा रिकॉन्स्टिट्यूटेड बीवरेजेस, जो बीवरेजेस होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, एंड फॉर एनिमल फीड, एनिमल फीड के लिए भी बटर मिल्क पाउडर का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आइसक्रीम मिक्स पाउडर। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसक्रीम मिक्स इज प्रिपेयर्ड कंसीडरिंग द फैट परसेंटेज, फैट की परसेंटेज को कंसीडर करके आइसक्रीम मिक्स को बनाया जाता है। और ना सिर्फ फैट की परसेंटेज, इसके अलावा सॉलिड नॉन फैट, शुगर, इमल्सीफायर, स्टेबलाइजर एंड टोटल सॉलिड्स आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन, इतनी सारी चीज़ों को मिक्स करके आप आइसक्रीम मिक्स को रेडी करते हैं। द
दी मिक्स इज देन प्री हीटेड, उसके बाद में प्री हीटिंग की जाती है। आपने अभी देखा प्री हीटिंग के लिए टेम्परेचर की रेंज 32 to 40 और 45 इतनी रखी जाती है प्री हीटिंग के टेम्परेचर की रेंज। उसके बाद में उसको होमोजेनाइज किया जाता है। होमोजेनाइजेशन में क्या होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं यूनिफॉर्म साइज के, नहीं कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई चौकोर है कोई गोल है कोई टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे जो है उनको सबको यूनिफॉर्म कर दिया जाता है एक ही साइज के बना के। होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस में होमोजेनाइजेशन किया जाता है जो कि होता है पार्टिकल्स को यूनिफॉर्म करने की प्रोसेस। होमोजेनाइजेशन के बाद में, होमोजेनाइजेशन दो स्टेजेस में होता है आइसक्रीम के लिए, और फिर इसको हीट किया जाता है आफ्टर होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन के बाद में इसकी हीटिंग होती है और फिर इसको ड्राई कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है इन्फेंट मिल्क पाउडर्स। इन्फेंट्स के लिए जो मिल्क पाउडर का यूज़ होता है उसके बारे में अब देखेंगे। The need to produce the infant milk powder is to avoid malnutrition problems among children. ये जो infant milk powder है इसका use इसलिए किया जाता है ताकि जो बच्चे हैं उनको कुपोषण से बचाया जा सके। malnutrition problem होती है जिनमें कि उनको proper nutrition नहीं मिलता है, proper पोषण नहीं मिल पाता है, तो उस malnutrition से बचाने के लिए बच्चों को ये milk powder दिया जाता है। आप सभी शायद जानते भी होंगे कि जैसे हमारी ही गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, उन आंगनवाड़ी केंद्र पे मिल्क के पैकेट्स भेजे जाते हैं बच्चों के लिए ताकि बच्चे उनका यूज़ करें और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हटे। इसीलिए जो मिल्क पाउडर है ये स्पेसिफिकली इसीलिए डिज़ाइन ही किया जाता है। ऑल्दो मदर्स मिल्क इज़ अ कम्प्लीट फूड, मदर्स मिल्क कम्प्लीट फूड होता है, उसके बाद में न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, येट टू अवॉइड मॉल न्यूट्रिशन इज अनदर सब्सिट्यूट। बहुत केसेस में होता है बच्चों को प्रॉपर मदर का मिल्क नहीं मिल पाता, तो उन केसेस में मॉल न्यूट्रिशन या कुपोषण की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए मिल्क पाउडर को एज अ सब्सटीट्यूट यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग मिल्क विद एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें मिल्क लिया जाता है और मिल्क के साथ में कार्बोहाइड्रेट्स का एडिशन किया जाता है। अब इन कार्बोहाइड्रेट्स में क्या हो सकते हैं, ये केन शुगर हो सकते हैं, डेक्सट्रोजेस हो सकते हैं, डेक्सट्रिन्स हो सकते हैं, माल्टोज हो सकते हैं एंड लैक्टोज हो सकते हैं। इसके अलावा मिल्क और कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं जैसे कि आयरन सॉल्ट है, विटामिन्स हैं जो कि बॉडी की ग्रोथ के लिए, शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आयंस होते हैं, और विटामिन्स तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट ही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल्क पाउडर में ऐड की जाती हैं ताकि प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चों को मिल सके। नेक्स्ट आता है चीज़ पाउडर। एजेड और मीडियम एजेड चीज़ आर टेकन एंड देन ग्राउंडेड। एजेड चीज़ को लिया जाता है और फिर चीज़ को ग्राउंड किया जाता है। ग्राउंड का मतलब होता है इसको पीसना। आप इसको ग्राइंडर में पीस सकते हैं या फिर कैसे भी करके पीस सकते हैं इसको। फर्दर स्लरी इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर। उसके बाद में वाटर को ऐड करके स्लरी बना ली जाती है और फाइनली इस स्लरी को आप ड्राई कर लेंगे। ड्राई होने के बाद में ये चीज़ पाउडर बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रीखंड पाउडर। श्रीखंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लैक्टिक फर्मेंटेड कर्ड। लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन से जो कर्ड बनती है, जो दही बनती है, उससे ये श्रीखंड पाउडर बनाया जाता है। और इसमें क्या जाता है, जो फर्मेंटेड कर्ड होती है आफ्टर स्ट्रेनिंग इट, इसको स्ट्रेन किया जाता है। स्ट्रेन का मतलब होता है छानना, किसी भी छन्नी से इसको छान लिया जाता है, या स्ट्रेनर होते हैं, स्ट्रेनर बोला जाता है, बड़े बड़े से स्ट्रेनर होते हैं इंडस्ट्रीज में जिनसे इसको छान लिया जाता है। एंड नीडेड विद ग्राउंड शुगर। नीड का मतलब होता है गूथना, आटा गूथना। सभी जानते होंगे कि किस तरीके से इसको गूथा जाता है, गोल गोल बना दिया जाता है, उसी तरीके से फिर इसको स्ट्रेन करने के बाद, छानने के बाद में इसको गूथ लिया जाता है। अब जब गूथने के बाद में क्या करेंगे, ग्राउंड शुगर जो पिसी हुई चीनी होती है उसके साथ में इसको मिक्स किया जाता है ताकि एक बटरी मास तैयार हो सके। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम होल मिल्क। होल मिल्क से बनाया जाता है।
हैविंग स्वीटेस्ट सॉल्ट टेस्ट, थोड़ा सा खट्टा और मीठा टेस्ट होता है इसका, विद सेमी सॉफ्ट टेक्सचर, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता है लेकिन कुछ सॉफ्टनेस इसमें होती है, इसीलिए इसको सेमी सॉफ्ट टेक्सचर बोला जाता है। नेक्स्ट आता है चना पाउडर। मिल्क सॉलिड्स ऑब्टेंड बाई सिट्रिक और लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक एसिड या सिट्रिक एसिड से मिल्क का सॉलिड बनाया जाता है, बाई कोआगुलेशन ऑफ मिल्क, मिल्क को कोआगुलेट करके मिल्क को जमाने के बाद में, एंड रिमूविंग दी वे बाई स्ट्रेनिंग, और जो वे होता है बचा हुआ वाटर टाइप का जो मटेरियल होता है उसको रिमूव किया जाता है बाई दी प्रोसेस ऑफ स्ट्रेनिंग, और जब जो मैटर बचता है उसको बोला जाता है छना। सिंस इट इज डिटोरिएटेड विद इन 1 to 2 days, अब ये ऐसा मटेरियल होता है जो कि 1 to 2 दिन में ही खराब हो जाता है, सो इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ, इसकी सेल्फ लाइफ या इसके जीवन काल को बढ़ाने के लिए ड्राइंग इज कैरीड आउट, इसको ड्राई किया जाता है ताकि ज़्यादा समय तक इसको सुरक्षित रखा जा सके। इट हैज़ हाई अमाउंट ऑफ फैट एंड प्रोटीन, इसमें फैट और प्रोटीन की बहुत हाई अमाउंट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट, जो ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो उनमें से सबसे पहले हम देखेंगे जो ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो ड्राइड मिल्क पाउडर हैज़ अ डुअल स्ट्रक्चर, जो ड्राइड मिल्क पाउडर होता है इसका डुअल स्ट्रक्चर होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्पर्सन बोला जाता है, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसको एग्लोमरेशन बोला जाता है। ये दो तरीके के स्ट्रक्चर तैयार होते हैं ड्राइड मिल्क पाउडर से। द प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्रोमाइजेस पाउडर पार्टिकल, जो इट इज़ कंप्राइजेस, द प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्राइजेस पाउडर पार्टिकल, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें पाउडर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कैसे होते हैं, फ्रॉम मिल्क विच आर इन डिस्पेंस्ड फेज, डिस्पोज्ड फेज, ऐसे मिल्क से बनाए जाते हैं जो कि डिस्पोज्ड फेज में हो, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड एयर सेल, और इसमें थोड़ी सी अमाउंट में मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है और साथ ही एयर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। लैक्टोज प्रेजेंट इन ड्राइड मिल्क इज जनरली प्रेजेंट इन द नॉन क्रिस्टलाइन स्टेट, जो ड्राइड मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होती है, जो शुगर प्रेजेंट होती है वो जनरली नॉन क्रिस्टलाइन स्टेट में होती है। क्रिस्टलाइन स्टेट के जो नॉर्मल आप शुगर खाते हैं, चीनी खाते हैं, कैसी होती है, कुछ इस तरीके के छोटे छोटे से क्रिस्टल्स होते हैं, उन क्रिस्टल्स के फॉर्म में शुगर अवेलेबल होती है और आप उसको ही खाते हैं, तो यही होते हैं क्रिस्टल। लेकिन जब आप इसको ग्राउंड कर देंगे, जब आप इसको पीस देंगे, तो आप देखते हैं आपको यही जो चीनी होती है, जो शुगर होती है, वो आपको इस फॉर्म में मिल जाती है, पाउडर्ड फॉर्म में। तो यही यहाँ पे बताया गया कि लैक्टोज नॉन क्रिस्टलाइन स्टेट में होती है एंड इज हाइग्रोस्कोपिक, और ये ऐसी होती है कि ये वाटर को सोख लेती है। इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर रेडिली अंडर ह्यूमिड कंडीशंस। ह्यूमिड कंडीशंस क्या होती हैं, ऐसी कंडीशंस जिनमें कि नमी प्रेजेंट होती है। नमी या मॉइस्चर सभी लोग जानते होंगे, ये नमी को या जो वातावरण में मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ इस तरीके की शुगर होती हैं, एंड सोलिडिफाइज विच इज़ नोन एज केकिंग। और उसके बाद में जब किसी भी पाउडर में आप वाटर को ऐड कर दें तो क्या होगा, एक सॉलिड मास बन जाएगा ना उसका, जैसे कि आप आटा लेते हैं, आटा में पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो आटा गीला हो जाता है, एक सॉलिड मास बन के रेडी हो जाता है। उसी तरीके से ये भी करती है, जो लैक्टोज शुगर होती है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है और सॉलिडिफाई हो जाती है। लेकिन शुगर के केस में ये जो प्रोसेस होती है इसको केकिंग बोला जाता है। हीट ट्रीटमेंट वाइल ड्राइंग इंड्यूसेस रिवर्सिबल डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, अगर इसमें हीट का ट्रीटमेंट दिया जाता है ड्राइंग के दौरान
तो इसमें रिवर्सिबल डिनेचुरेशन की प्रोसेस देखी जाती है, और ये जो रिवर्सिबल डिनेचुरेशन होता है ये होता है प्रोटीन्स का, फॉलोड बाय इररिवर्सिबल कोआगुलेशन बाय डीस्टेबलाइजिंग मिल्क प्रोटीन। अब जो डिनेचुरेशन हुआ ये तो रिवर्सिबल है, ये तो वापस आ सकता है, लेकिन जो कोआगुलेशन होता है वो इररिवर्सिबल होता है। आप दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन क्या आप दही से दूध बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए उसको इररिवर्सिबल बोला जाता है, क्योंकि वो पलट नहीं सकती। अगर कोआगुलेशन बन गया है तो फिर वो बना ही रहेगा, दही से दूध कभी भी नहीं बन सकता। और ये प्रोसेस होती कैसे है कोआगुलेशन की? बाय डी स्टेबलाइजिंग द मिल्क प्रोटीन। मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको डी स्टेबलाइज कर देता है, और डी स्टेबलाइजेशन के बाद में ही ये कोआगुलेट हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक। किस टेक्निक से बनाया जा रहा है पाउडर को, उस टेक्निक पे, उस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक पे डिपेंड करेगा कि पार्टिकल का साइज क्या होगा। और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स पे ही नहीं, ये ऑपरेटिंग कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा मिल्क की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। मिल्क की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मिल्क की जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पार्टिकल का साइज होगा। एग्लोमरेटेड मिल्क पाउडर हैज इररेगुलर शेप। अगर जो एग्लोमरेटेड मिल्क पाउडर है तो इसका शेप रेगुलर नहीं होता, ये इररेगुलर शेप का होता है, एंड इज लार्ज इन साइज, और इसका साइज बहुत लार्ज देखा जाता है। नेक्स्ट आता है डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम। पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स इंक्लूड वैक्यूल्स एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्लूडेड एयर। जो पार्टिकल डेंसिटी होती है मटेरियल्स की, इसमें वैक्यूल्स होते हैं और ये ऑक्लूडेड एयर से इन्फ्लुएंस होती है। इसमें क्या होता है, पोर सॉक्स बन जाते हैं। पार्टिकल डेंसिटी ऑफ प्रेशर स्प्रे ड्राइड मिल्क इज हायर। अगर कोई स्प्रे ड्राइड मिल्क है जिसको प्रेशर से स्प्रे ड्राई किया गया है, उसकी डेंसिटी हाई रहती है कंपेयर्ड टू सेंट्रीफ्यूगल स्प्रे ड्राइड। अगर सेंट्रीफ्यूज करके बनाया गया है और प्रेशर से बनाया गया है, तो जो प्रेशर से बनाया गया है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जबकि जो सेंट्रीफ्यूज से बनाया गया सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के द्वारा, उसकी डेंसिटी कम होगी। बिकॉज द इंट्रैप्टेड एयर इज हायर इन दी सेंट्रीफ्यूगल स्प्रे ड्राइड मिल्क। जो सेंट्रीफ्यूज करते हैं आप, तो गोल गोल घुमा रहे हैं उसको, तो उसमें एयर के पार्टिकल्स आ जाएंगे, और जिस जगह पे एयर आ जाएगी डेंसिटी अपने आप ही वहाँ की कम हो जाएगी। लेकिन जो प्रेशर है, प्रेशर में आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को दबा देते हैं तो उसमें से और तो एयर निकल जाती है। जब एयर बाहर हो जाएगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी रिफर्स टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है, इसी को बल्क डेंसिटी बोला जाता है। बल्क डेंसिटी इज हायर ऑफ स्प्रे ड्राइड मिल्क। जो स्प्रे ड्राइड मिल्क होते हैं उनकी बल्क डेंसिटी ज़्यादा होती है देन ड्रम ड्राइड पाउडर्स। ड्रम ड्राइड पाउडर्स की डेंसिटी कम होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हम पढ़ रहे हैं उनमें स्प्रे ड्राइंग ही की जाती है, क्योंकि स्प्रे ड्राइंग को प्रेफर किया जाता है ओवर ड्रम ड्राई। हाई बल्क डेंसिटी इज डिज़ायरेबल टू डिक्रीज द वॉल्यूम। जो बल्क डेंसिटी है ये हाई होना इसलिए भी ज़रूरी होती है ताकि वॉल्यूम को कम किया जा सके। अगर बल्क डेंसिटी बहुत कम होगी तो ये तो फैला रहेगा चारों तरफ बहुत सारा, और डेंसिटी ज़्यादा होगा तो ये कॉम्पैक्ट मास हो जाएगा, तो वॉल्यूम यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा सा वॉल्यूम बनेगा। अब आता है इंस्टेंट प्रॉपर्टीज और रिकॉन्स्टिट्यूटेबिलिटी। टू इन्हेंस द रिकॉन्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट पाउडर दे आर मेड इंस्टेंट सोल्यूबल। इनको इस तरीके से बनाया जाता है कि ये इंस्टेंटली सोल्यूबल होते हैं। आप देखते हैं मिल्क पाउडर को जब आप किसी भी बाउल में डालते हैं, उसमें वार्म वाटर डालते हैं, गर्म पानी डालते हैं, वो तुरंत ही घुल जाता है उसमें, या ठंडे पानी में भी घोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है।
लेकिन गर्म पानी में बहुत इजली ये इंस्टेंटली सॉल्यूबल होता है ना, ये तुरंत ही घुल जाता है। इंस्टेंटाइजेशन इज मेनली अप्लाइड टू नॉन फैट ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट। ये जो इंस्टेंटाइजेशन की प्रोसेस होती है ये नॉन फैट ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट्स पे अप्लाई की जाती है। दैट इज स्किम मिल्क पाउडर। स्किम मिल्क पाउडर इसका एक एग्जाम्पल है। हाउएवर फैट रिच ड्राइड प्रोडक्ट्स कैन ऑल्सो भी इंस्टेंटाइज। जो फैट रिच ड्राइड मिल्क होते हैं इनको भी इंस्टेंटाइज किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर नॉन फैट ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट्स पे ही ये अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिस्पर्सिबिलिटी। डिस्पर्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स टू डिस्पर्स और सेपरेट इनटू इंडिविजुअल पार्टिकल्स। डिस्पर्सिबिलिटी वो एबिलिटी होती है कि कोई भी पार्टिकल यहाँ से जहाँ पे प्रोडक्ट रखा हुआ वहाँ से हर जगह फैल जाए, जितनी जल्दी जितना ज़्यादा वो फैल सकता है उसको उसकी डिस्पर्सिबिलिटी बोला जाता है। हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क कंटेनिंग हायर टोटल सॉलिड कॉजेज इरिवर्सिबल डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट अगर मिल्क का दिया जाता है, मिल्क को दिया जाता है और जिसमें कि हाई टोटल सॉलिड है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि इरिवर्सिबल डिनेचुरेशन होता है प्रोटीन्स का। बहुत बड़े स्केल पे सारी ही प्रोटीन्स का इरिवर्सिबल डिनेचुरेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है विटेबिलिटी। ऑन इंट्रैक्शन ऑफ पाउडर एंड लिक्विड, जब पाउडर एंड लिक्विड के बीच में इंट्रैक्शन होता है, दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं, सो एबिलिटी ऑफ अ पाउडर टू एब्जॉर्ब वाटर ऑन द सर्फेस, वाटर को कितना एब्जॉर्ब कर लेता है, वेटेबिलिटी रिफर्स टू बी वेटेड। या कह सकते हैं कि कितनी जल्दी वो जो पाउडर है वो गीला हो जाता है, इसी प्रोसेस को वेटेबिलिटी बोला जाता है। एंड टू पेनिट्रेट द सर्फेस ऑफ स्टिल लिक्विड, या हम ये कह सकते हैं कि जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो कितनी जल्दी इसकी सरफेस को पेनिट्रेट करके चली जाएगी, इसी को वेटेबिलिटी बोला जाता है। लैक्टोज बींग हाइग्रोस्कोपिक, जो लैक्टोज है ये हाइग्रोस्कोपिक है, ये वाटर को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करती है, सो इट फॉर्म्स स्मॉल कॉन्टैक्ट एंगल इंडिकेटिंग गुड वेटेबिलिटी। और इसकी वेटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसके कॉन्टैक्ट एंगल बहुत ही स्मॉल होते हैं। एग्लोमरेशन एंड अब्सेंस ऑफ फाइन पार्टिकल्स फेवर वेटेबिलिटी। जो एग्लोमरेशन होता है और अगर जो फाइन पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनकी एब्सेंस होती है तो ये वेटेबिलिटी को फेवर करते हैं। एग्लोमरेशन प्रोवाइड्स मोर स्पेस फॉर पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इनटू इंटरस्टिक्स। जो एग्लोमरेशन की प्रोसेस होती है ये बहुत ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करती है ताकि वाटर का पेनिट्रेशन इजिली हो सके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिंकेबिलिटी। सिंकेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ पाउडर पार्टिकल्स टू ओवरकम द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सिंकेबिलिटी होती है कि जो वाटर की सरफेस टेंशन है, जो पाउडर पार्टिकल्स हैं, वो वाटर की सरफेस टेंशन को कितने हद तक कम कर लेते हैं एंड सिंक इनटू वाटर, और वाटर में सिंक हो जाते हैं या डूब जाते हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द सरफेस। इट इज़ द अमाउंट ऑफ द पाउडर दैट सिंक्स पर यूनिट पर ओवर यूनिट सरफेस एरिया। पर यूनिट टाइम में कितना सरफेस एरिया इनका सिंक हो जाता है, इसी को सिंकेबिलिटी बोला जाता है। एग्लोमरेशन इन्हेंसेस सिंकेबिलिटी। जो एग्लोमरेशन की प्रोसेस होती है ये सिंकेबिलिटी को इनक्रीज करती है बाय इंक्रीजिंग द टोटल और एग्रीगेट वेट। और ये सिंकेबिलिटी को इनक्रीज कैसे करती है, ये टोटल वेट को बढ़ा देती है या फिर एग्रीगेट वेट को बढ़ा देती है। और आप जानते हैं कि जो चीज़ हल्की होती है वो वाटर पे तैरती रहती है, और जो वजन होती है जिसका वेट ज़्यादा होता है वो सिंक हो जाती है, वो डूब जाती है। वही इसके केस में होता है, एग्लोमरेशन के द्वारा इसकी सिंकेबिलिटी बढ़ाई जाती है ताकि इसके जो एग्रीगेट वेट है उसको बढ़ा दिया जाता है और सिंकेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कीपिंग क्वालिटी। मिल्क की कीपिंग क्वालिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, या फिर जो मिल्क पाउडर प्रोडक्ट हैं उनको
कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सो कीपिंग क्वालिटी रिफर्स टू द ड्यूरेशन अप टू विच एडिबल क्वालिटीज ऑफ फूड आर रिटेन। कीपिंग क्वालिटी वो ड्यूरेशन होती है, वो समय होता है जब तक कि फूड जो है, फूड की क्वालिटीज मेंटेन रहती हैं, फूड की क्वालिटीज में कोई परिवर्तन नहीं होता। ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ ड्राइड मिल्क पाउडर एंड मिल्क प्रोडक्ट पाउडर, जब स्टोरेज किया जा रहा होता है ड्राइड मिल्क पाउडर का, या फिर मिल्क से बने हुए, मिल्क पाउडर से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उनका, सो चेंजेस अकर इन कलर, फ्लेवर एंड सोलिबिलिटी। चेंज कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि पाउडर का कलर चेंज हो गया, पाउडर का जो फ्लेवर था वो नहीं रह गया, वो चेंज हो गया, या फिर सॉल्युबिलिटी उसकी चेंज हो गई कि पहले बहुत जल्दी घुल जा रहा था, अब वो घुल नहीं रहा वाटर में। तो ये सारी फैक्टर्स हैं जो कि चेंज हो सकते हैं, ये सारे चेंजेस आ सकते हैं। विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाई कंपोजिशन ऑफ मिल्क, इनिशियल माइक्रोबियल लोड इन द मिल्क, क्वालिटी ऑफ मिल्क, हाइजीन मेंटेन्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस, टाइप ऑफ पैकेजिंग एंड स्टोरेज कंडीशंस। ये जो सारे चेंजेस अभी आपने देखे, कलर, फ्लेवर, सॉल्युबिलिटी, इनको अफेक्ट करने के लिए कितने सारे चीज़ें हैं, कितनी सारी कंडीशंस हैं जो कि इसको अफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो मिल्क के कंपोजिशन से रिलेटेड हो, चाहे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें प्रेजेंट हैं उनसे रिलेटेड हो, चाहे मिल्क की क्वालिटी क्या है वो इससे रिलेटेड चेंज हो सकता है, जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस की गई है वो सेफली की गई है या नहीं की गई है, हाइजीन का ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया है, इस पर डिपेंड कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग किस कंडीशन में की गई है, इस पर डिपेंड कर सकता है। पैकेजिंग कैसी है और स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं, इन पे भी डिपेंड कर सकता है। और ये जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट कर सकते हैं बहुत सारी मिल्क की क्वालिटीज़ को, या मिल्क पाउडर को, या फिर मिल्क पाउडर से बने हुए प्रोडक्ट को। इग्नोरेंस ड्यूरिंग क्लीनिंग ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट एंड वेसल्स में ऑल्सो कॉज कंटेमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर क्लीनिंग के दौरान अगर मशीनरी की क्लीनिंग हो रही है, या जो इक्विपमेंट है, जो वेसल्स यूज़ किए जा रहे हैं, उनकी क्लीनिंग के टाइम पे अगर ध्यान नहीं रखा गया, उनको सही से साफ़ सफाई नहीं की गई, तो प्रोडक्ट का कंटेमिनेशन हो सकता है। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान देयर आर चांसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया, बहुत से चांस होते हैं थर्मोफाइलिक बैक्टीरिया की ग्रोथ के, अराउंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड और लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये चांसेस होते हैं। व्हेन हीटेड इन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, जब इसको कि काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में हीट किया जाता है, बट कुड नॉट मल्टीप्लाई ओवर 50 डिग्री, लेकिन ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इफ पैकेजिंग इज कैरीड आउट इन कंटेमिनेटेड एनवायरमेंट, अगर पैकेजिंग ऐसी जगह पे हो रही है जिस जो वातावरण कंटेमिनेटेड है, या जो पैकेजिंग मटेरियल है वो मॉइस्चर को रोकने में सक्षम नहीं है, अब्जॉर्ब कर ले रहा है मॉइस्चर को, एंड हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द पैकेज, अगर पैकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, देन देयर विल बी फेवरेबल कंडीशंस फॉर प्रोलीफरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए क्या, प्रॉपर उनको बढ़िया ऑक्सीजन मिल रही है, मॉइस्चर भी मिल रहा है, फिर उनको क्या है, उनको तो ग्रोथ करने का अच्छा सा मौका मिलेगा और वो बहुत आसानी से प्रोलीफरेट करेंगे, क्योंकि उनको तो फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी, वो कंडीशंस मिल जाएंगी जो कि उन्हें चाहिए हो। इसीलिए कंटेमिनेटेड एनवायरमेंट में पैकेजिंग से बचना चाहिए, और पैकेजिंग ऐसी हो जो कि मॉइस्चर को 100% प्रिवेंट करने की क्षमता रखती हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।